अंग है, इसलिए आदिवासियों के बारे में कुछ कहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा आदिवासियों का सम्मान करता हूं। मैंने आज तक जीवन में कभी किसी के भी अपमान में कोई बात नहीं कही, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ जब देश की लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी ने कहा कि हिंदू हिंसक होता है, यानी आक्रमणकारी होता है, यानी एक दूसरे को मारने वाला होता है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा घटिया शब्द हिंदू समाज के लिए कोई हो नहीं सकता था, यानी पूरे हिंदू समाज का अपमान किया है। और ये कांग्रेसियों को दिखाई नहीं दिया, एक भी कांग्रेसी ने यह नहीं कहा कि हिंदू अहिंसक नहीं होता है, हिंदू श्रेष्ठ होता है, हिंदू किसी के पर आक्रमण नहीं करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सारी की सारी कांग्रेस हिंदुओं को आक्रमणकारी मानती है, हमलावर मानती है, हिंसक मानती है। ये सारे हिंदुस्तानियों का अपमान है, पूरे हिंदुओं का अपमान है। इसलिए कांग्रेसियों से कहना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, विशेषकर राजस्थान के लोगों से कि हे राजस्थान के कांग्रेसियों, आप सब लोग मिलकर के हिंदुओं का जो अपमान किया है उसके लिए राहुल गांधी से कभी इस्तीफा मांगना चाहते हैं, या वो हिंदुओं के अपमान किया है उसके लिए इस्तीफा नहीं देते हैं, तो आप यदि हिंदू हैं तो कब कांग्रेस छोड़ करके कहीं जाना चाहते हैं, या हिंदू होने के बावजूद भी कांग्रेस में रह करके अपने पूर्वजों का अपमान निरंतर करा रहे हो? इससे ज़्यादा अपमान और इससे ज़्यादा बावड़ापन आपका क्या हो सकता है? भाई साहब, सदन में वह लगातार आदिवासियों का अपमान करना चाहते हैं, क्योंकि इस देश में रहने वाले, अनादिकाल से रहने वाले सब आदिवासी हैं, मैं भी आदिवासी हूँ, और इसलिए उनके मन में कहीं भी आदिवासियों और हिंदुओं के पक्ष में श्रद्धा का भाव नहीं है। अच्छा, जो सदन में हुआ हंगामा भी हुआ और कुछ सदस्य जो सत्ता पक्ष के आपकी तरफ भी बढ़े, क्या था वो पूरा घटनाक्रम और किस कारण से वो आपकी तरफ बढ़े थे सारे? अब उनका मंतव्य क्या था ये तो पता नहीं, लेकिन हाव भाव से लग रहा था कि जैसे कोई मेरे ऊपर आक्रमण करने आया और बिल्कुल मेरी टेबल के पास आकर के आक्रामक रूप से बोल करके मेरे को डराने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन मैं आज तक किसी भी इस प्रकार के नेचर वाले से नहीं डरा जो लगातार हिंदुओं का अपमान करते हैं, और हिंदुओं का अपमान करने वालों से मैं बराबर मुकाबला करता हूं। दो मिनट लगेंगे।